सबसे पहले बात करेंगे पानीपत की। पानीपत की देवी मूर्ति कॉलोनी में एक घर में डकैती बंधक बनाकर लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूटी। विरोध करने पर बाप बेटे को घायल किया इन बदमाशों ने। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रही हैं। पानीपत से खबर आपको बता रही है, देवी मूर्ति कॉलोनी का पूरा मामला है, जहां पर एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूट ली। और जब घर में मौजूद बाप बेटे ने इसका विरोध किया तो बाकायदा उनको घायल किया गया। तमंचे के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों की लूट की गई है। देवी मूर्ति कॉलोनी की पूरी घटना है। एक घर में डकैती की गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शातिर ये बदमाश रहे होंगे कि घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देना। पानीपत से खबर आपको बता रही है, जहां पर लूट, हत्या, डकैती, इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और ताजा मामला पानीपत की देवी मूर्ति कॉलोनी का है, जहां पर एक घर में घरवालों को बंधक बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देवेंद्र कथूरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरा मामला बताइए। देखिए नम्रता, पानीपत का ऐतिहासिक देवी मंदिर है। आजकल नवरात्र है, काफी भीड़ रहती है। उसी एरिया में देवी मूर्ति कॉलोनी है, जहाँ शहर के धनाटे बिजनेसमैन लोग रहते हैं। देवी मूर्ति कॉलोनी की 84 नंबर कोठी है संजय चौधरी के नाम से, उनका बेटा अनमोल है। तो यहाँ 75 जो बदमाश घुसे सड़के, उन्होंने 4 लाख की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लूटी है। और जब संजय चौधरी और उनके बेटे ने विरोध किया लूट का, तो उनको उन्होंने चोट मारी है, एक को चाकू भी लगाए। दोनों को सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लिहाजा लाखों की लूट से 4 लाख की नकदी और कई लाख की ज्वेलरी लूटी है। पूरे इलाके में इस तरह से सनसनी और दहशत का माहौल है। जी देवेंद्र, सनसनी फैलना लाजमी भी है, क्योंकि पहले के जब हम ये सब केसेस देखा करते थे तो चोर उस वक्त निशाना बनाया करते थे जब घर में कोई नहीं होता था। और अब आप इनका शातिराना अंदाज देख सकते हैं, घर में मौजूद है परिवार वाले, उसके बाद भी इस तरह की घटना। देखिए उनके पास आजकल जो डकैत चोर है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, उनके पास हथियार, इतने छोटे छोटे हथियार आगे जेब में रख के आदमी ले जा सकते हैं। और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। आधुनिक तरीके है डराने के, उनको 4-5 की संख्या में घर में घुस जाना, फिर उनको डराना, धमकाना, बंधक बना लेना, टेरर फैलाना, इस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं। लेकिन जहाँ ये वारदात हुई है, देवी मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है। मैं खुद भी आज मंदिर में था, आसपास काफी भीड़ थी, लेकिन बाद में पता लगा कि सड़के इस तरह की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस मौके का मुआयना करिए और हॉस्पिटल में दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है।